वाओ, ये देखें जबरदस्त खासा इसमें देखें जूस निकला। कैसा देखें आप? हाँ बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल ड्राई। बीफ का ये गोश्त आपको पीस कर दिखाएंगे, बीफ का दिखा रहे हैं। इसका मुश्किल ये देखिए, चार सेकंड बहुत से बहुत पांच सेकंड के अंदर है। ये देखें भाई बेहतरीन, एक साथ डाला है सब हमने ना। ये देखें भाई, ये देखें लाइव आपको कोफ्ता बनाकर कोई नहीं दिखाएगा। ये देखेंगे आप? ओह हाँ कुछ हुआ तो था। हाँ बड़ी हुई है, दिखा दिया हमने और तवा भी दिखा दिया, इलेक्ट्रिक स्टोव भी दिखा दिया, रोटी मेकर भी दिखा दिया। ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बीच में मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गया था। और ये देखिए दोबारा जो है ना आपको मिल रहा है। इसमें आप सेब का, कीनू का, अनार का, किसी का भी बनाना चाहे जूस बना सकते हैं, फ्रेश अपने जूसेस एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कच्चा, देखें कितनी तेजी से निकल रहा है, बिल्कुल ड्राई जूस तैयार हो गया आपका। ये देखें मौसम्बी और सेब का देखें। ये देखें भाई पूरी भी बनाकर दिखाती है सर ने इलेक्ट्रिक स्टोव में, कोई भी करके दिखावे हमारी तरह। चपली कबाब तैयार हो रहा है लग रहा है, चपली कबाब बना ले हैं। दोनों तैयार, हम इसलिए दिखा रहे हैं, हमने चॉपर भी आपको दिखाया है जी। ये कंप्लीट आपको देखें कितनी डिटेल में सब चीजें बताई हैं, जबरदस्त। चपली कबाब बन के तैयार हो गया, सही शामी कबाब बना के दिखा रहे हैं आपको। देखें लाइव, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तेल में दिखाई है, क्रीमा भी पीस कर दिखाया है चॉपर में, फ्राई पैन भी आपके सामने, इलेक्ट्रिक स्टोव भी आपको सेटअप किया है सिर्फ आप लोग के लिए, कि आप लोगों को पता चले क्या क्या। अदरक है, देखिए भाई पूरा आपको जो ना कोफ्तों का कीमत तैयार हो गया। हमने कितनी बड़ी है, तो छोटी बोटियां नहीं करी हमने, सही है जी। हरी मिर्ची आ गई इसके साथ, बहुत हो जाएंगी ये तो। लहसुन से जरा इनकी सेहत भी सही रहेगी ना, बच्चों की जरा सही काम करेंगे दुकान पे। नहीं सर हो गया। ये बल्कि 10 सेकंड में हो गया। सिल पे पीसने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, सिल पे भट्टे पे पीसने की आपको जरूरत नहीं है कबाब का। ओहो शामी का ऐसे लहसुन अदरक मिलाना है तो अदरक भी वैसे बहुत, इस तरह आपने इस्तेमाल करना है और क्या-क्या चीजें इसमें हो जाएंगी जी। ये पूरा किनू मैंने डाला है, मैं करूंगा जोर लगा रहा हूं। ये देखें सही, ये देखें आप, ये आ गया भाई, देखिए इजीली ठीक है जी। पैराशूट है ये, हां पैराशूट अंदर नहीं जा रहा है, हमने ऐसे साफ कर देना है। मार्केट में आपको इस तरह से प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा, मैं तो आप लोगों को कोशिश करता हूं जितना ज्यादा हो जाए प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है आप सबके, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो हाईलाइट से आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई क्या हम कुकिंग चैनल देख रहे हैं, तो जी नहीं, आप मेरे व्लॉग चैनल ही देख रहे हैं जहां आपको डेली बेसिस पर बहुत इन्फॉर्मेटिव मार्केट वीडियोस मिलती हैं। और आज की वीडियो भी इस हवाले से जबरदस्त शानदार होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के रिव्यू, बकायदा आपको प्रोडक्ट्स यूज करके बताया कि आया कि काम करता है या नहीं करता, ट्रू रिव्यू आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। और यकीन माने कि इस तरह की वीडियोस आपको YouTube पर बहुत रेयरली नजर आती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है ऐसी वीडियोस के पीछे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को तो भाई अभी से लाइक कर दें क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। रिव्यू आपको मिल रहा है आपकी सबकी पसंदीदा दुकान पर कोरोपाल पर, जहां आपको स्मार्ट गैजेट्स, हाउसहोल्ड आइटम्स, ट्रेंडी चाइनीज गैजेट्स का खजाना मिल जाता है। बहुत ही पसंदीदा दुकान है, मेरे पुराने व्यूअर्स बिल्कुल नोन है। न्यू व्यूअर्स को बताती चलूं कि कोरोपाल बहुत बड़ी होलसेल दुकान है, इंपोर्टर हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स के, खुद इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और ये इस शॉप की वीडियो का पार्ट वन है, यानी कि पार्ट टू सोचें क्या होने वाला है। तो चैनल को देखते रहें, कोई वीडियो मिस ना करें। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त मल्टी फंक्शनल चॉपर दिखाए जिसमें आप वेजिटेबल्स भी चॉप कर सकते हैं, इसके अलावा मीट भी आप चॉप कर सकते हैं। बाकायदा आज की वीडियो में आपको गोश्त का कीमा बनाकर दिखाया है, शामी कबाब का जो मसाला होता है वो भी अब आपको सिल पे पीसने की जरूरत नहीं है, आराम से मशीन में पिस जाएगा। इसके अलावा जूसर मशीन का भी आपको कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है। सर्दियां आने वाली हैं, सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस आप एंजॉय कर सकते हैं, एबीसी जूस एंजॉय कर सकते हैं और अपना एच भी अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको फ्रेश जूसेस भी बनाकर दिखाए, शामी कबाब, चपली कबाब, यहाँ तक के रोटी, गोल रोटी भी बनाकर दिखा दी है। भाई बहुत ही मुश्किल काम है गोल रोटी बनाना, मुझसे भी नहीं होता लेकिन आज की वीडियो में ये काम भी हो गया है। तो वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है, इन्फॉर्मेटिव है, इंजॉय करनी है आपने बाकायदा। और यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, शॉप कहाँ है, सब डिटेल्स वीडियो में मौजूद है। जिस तरह आज की वीडियो यानी कि इस शॉप का पार्ट वन इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी तरह पार्ट टू भी बहुत शानदार है। तो चैनल को देखते रहें, कोई वीडियो मिस ना करें। शादी की शॉपिंग कर रहे हो या कोई बाजार सर्च कर रहे हो, सब कुछ आपको मेरे एक ही चैनल पर मिल जाता है। ये शॉप आपको मिल जाएगी कोरोपाल के नाम से, सेंट्रल मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर, सेंट्रल मॉल किधर है, गुल प्लाजा के बैक साइड पर, बासानी आपको ये शॉप मिल जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मेंशन है और शॉप एड्रेस भी वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और इनकी वेबसाइट के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो जी हाँ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले शॉप का नाम एड्रेस बताएं। देखिए हमारी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है और कहाँ है ये भी पता है और हमारी क्वालिटी क्या होती है ये भी पता है। बिल्कुल, पुराने व्यूअर्स शॉप का नाम है कोरोपाल।
और ये है अपना एम एच जिना रोड के ऊपर गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा के बैक साइड पे है सेंटर मॉल, 9 मंजिल बिल्डिंग है। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है उनको मैं ये बोलूंगा हमारे यहाँ नीचे एक बेसमेंट में पार्किंग भी है, तो बहुत से लोग गाड़ियां लेकर आते हैं बेचारे परेशान होते हैं, ठीक है, फ्री पार्किंग है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी खड़ी करने ना दे तो आप हमारा नाम ले दें, वो हमारे पास आके बोले हमारा यानी हमारा जो कस्टमर होगा हम उनकी गाड़ियां नीचे खड़ी करवा देंगे, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी आसानी है, ठीक है, सही। और दूसरी चीज ये हमारी शॉप है अपना गुलपैर के बैक साइड सेंटर मॉल में, शॉप नंबर है F54 फर्स्ट फ्लोर पे जी, सही है। अब जैसे गेट से दाखिल होंगे एक्सेलेटर की सीढ़ियां आ रही होंगी ऊपर, तो एक्सेलेटर की सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो सीधा आप टर्न करते ही सामने शॉप पड़ेगी F54, ठीक, इजीली आपको मिल जाएगी। लुक्स वगैरह मैंने बाहर का आपको दिखा दिया, तो आज की वीडियो में क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? आपकी वीडियो में मैं दरअसल कुछ एक अनोखा करने जा रहा हूँ, अब पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है, सही है। फिलहाल अभी तो आगे चलता रहूंगा तो पता चलेगा। ये मैन हमारा ये एक चॉपर आया हुआ है जो इस टाइम पे अपना ये देखें कोरोपाल के नाम से ही हमारा, अच्छा ये आपका अपना प्रोडक्ट है, ये देख ले हमारा अपना प्रोडक्ट है, पूरे से कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं, रिव्यू देने वाला हूं मैं, ये फूड प्रेस है, इसका जूस भी निकालेंगे, इसमें आपको गोश भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। और जैसे कि ये हमारा रोटी मेकर एक आया है चाइना से, अच्छा रोटी मेकर भी ले आया भाई, ये मेकर भी आया है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, सही है जी, पता नहीं अपने मेरे को नहीं पता मैं आपके मुताबिक उतर पाऊंगा अपने कस्टमर के यानी उतर पाऊंगा, बिल्कुल देखिए चीज को बकायदा चलाकर दिखाने वाले हैं तो आपको पता चलेगा क्वालिटी क्या है, आया कि काम करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ ये हमारा गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट भी मिलने वाला है, वो भी ब्लेड्स है ना, तो ब्लेड्स के साथ ये होता है बाकी लेडीज को हमारे यहाँ हाथ कटने का खर्चा होता है धोने धुलाने, तो ये होता है हम इसको ब्लेड यूं दे रहे हैं, तो ये भी ओरिजिनल चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, तो ये इसके साथ फ्री है हमारा, सही है ये भी। अच्छा ये बाय कैसे कर सकते हैं? कराची वाले तो आ जाएंगे शॉप पर, कराची वाले तो आ जाएंगे उनको, और कॉल पे भी बोलेंगे तो हमारे यहाँ कराची की डिलीवरी है वो जो होती है चार्जेस वो देनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो और पेमेंट भी उनको जब भी करनी पड़ती है कराची वालों को, तो जब उनको पार्सल पहुंचेगा, सीओडी है, सही है, है। बाकी हमारे जो आउट ऑफ सिटी से है जैसे कराची हैदराबाद सख्तर अपना लाहौर इस्लामाबाद पिंडी पेशावर क्वेटा, तो वो हमें जो है ना हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, होता है वैसे तो कोशिश करें व्हाट्सएप पे दें वो हमारे सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे ये हम उनको वहां पे जो देंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर 5% का डिस्काउंट देंगे 31 दिसंबर तक, सही है जी, जबरदस्त, इन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है जी, यानी 5% का डिस्काउंट है 31 दिसंबर तक, नोट कर लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ। और ये एक हमारा एक और ऑफर भी चल रहा है 5,000 रुपए की शॉपिंग के ऊपर, ये हमारा गिफ्ट है, अच्छा यानी कि उम्रे का पैकेज है, और इसके अलावा दीगर छोटे इनामात भी हैं, ठीक है, जो हम हर 14 अगस्त पे हमारी कंफर्म डेट अब हो चुकी है हमेशा के लिए 14 अगस्त पे हम लोग इसकी बैलेटिंग करा करेंगे, ठीक है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, 14 अगस्त पे हमने बैलेटिंग की है जी, और आपके उम्रे पे हमने भेजा बंदे को जी, तो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा ये होता है उम्रे का पैकेज है पूरा, जिसमें टिकट भी है, रिहाइश भी है, और यानी कि कन्वेंस चार्ज जो होती है वो भी, ठीक है, खाना पीना नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है, इसमें आप ऐड हो सकते हैं 5,000 की खरीदारी, 5,000 की खरीदारी पे, सब डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन है, और बाकी इंशाल्लाह जो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं ना ये पार्ट 2 में शेयर करूंगी, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट पे ये आप देख लें, दोबारा मैं बोल रहा हूँ वेबसाइट पे ऊपर जो ऑर्डर देगा 5% का डिस्काउंट मिलेगा उसको, जबरदस्त हो गया, जितनी भी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, ये नहीं कहूंगा इसी प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर मेरी वेबसाइट के ऊपर 5% का डिस्काउंट है, ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है जी सर, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये अपना टेबल पे जो हमने कवर बिछाया हुआ है ना, अच्छा ये देखिए सूट कपड़ा है, सही है, गिर भी जाए ना ये देखिए आप, अगर हम पानी भी फेंक दें, पानी तो है नहीं मेरे पास, टाइम नहीं आ रहा है मेरे को, बिल्कुल हाँ ये पैराशूट है ना, ये इसको अगर आप चाहें तो साफ कर सकते हैं, ठीक है, और ये इसके साथ आराम से सभी, अगर खुदा ना खासा भी कुछ गिरेगा तो उसमें आपको करके भी दिखाते रहेंगे, ठीक है, ये एक ये है हमारे पास माइक्रोफाइबर क्लीनर, सही है, ये पड़ेगा आपको 130 रुपए का, 130 रुपए जी, अच्छी क्लीनिंग होती है, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, और ये है अपना टेबल, यानी कि इसके कवर में 3 कलर्स हैं हमारे पास, सही है, ये टेबल कवर होता है, यानी कि आप इसको टेबल कवर के बिछा लें, डाइनिंग टेबल पे बिछा लें, ठीक है सर, इसमें 3 कलर्स हैं, इसके रेट है 550 के रेट है, 550 रुपीज, और मैं आपको इसका साइज में इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप साइज देख लें, वैसे तो ये देखें आपको डिस्प्ले में नजर भी आ रहा है, ये देखें, ठीक है जी, फुल बिग साइज में, सही है, जो आम टेबल होती है नॉर्मल तौर पे घर पे उसके लिए है, उसके लिए आराम से, ये देख लें आप साइज भी देख लीजिए, और इसमें कलर्स भी आपको मिल रहे हैं, कलर्स भी 3 कलर्स हैं हमारे पास, सही, 550 रुपीज जी, 550 का ये, सही, वॉशेबल कलर में पिंक है, ब्राउन है एंड ग्रीन है, ठीक है सर, ये तीनों कलर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, चल लें फरुख,
जी सर, आप क्या दिखा रहे हैं? ये मैं आपको फ्रूट प्रेस दिखा रहा हूँ। फ्रूट प्रेस आ गया, सही है। ओरिजिनल मेड इन चाइना है। इसके अंदर एक तो हल्की क्वालिटी आ रही है, बहुत छोटा साइज आता है, ठीक है, और एक इसमें बड़ा साइज है। इसमें पाकिस्तानी जो आ रहा है ना, वो एक आ रहा है क्रूम हुआ हुआ। अच्छा, उसमें तो ये होता है, यानी क्रूम जो होता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल चाइना का है, ये आप देख लीजिए, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें जूस भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख लीजिए, ये देखिए भाई, इसकी क्वालिटी आप लोग चेक करें, बिग साइज में है। जी हाँ, ओरिजिनल साइज बिग साइज में, ठीक है। इसमें सर वो ग्राम्स का भी तो आता था ना, ग्राम्स जो है ये 710 720 ग्राम के अंदर से, ठीक है। यानी कि डब्बे के साथ अगर आप देखेंगे ना, तो डब्बे के साथ 710 720 ग्राम आएगा, सही। और रियल इसको देखेंगे तो 610 620 ग्राम आता है, यानी 100 ग्राम का, यानी थैली और डब्बा। हाँ, क्योंकि मार्केट में डिफरेंस है 400 ग्राम 500 ग्राम। बात पहले वादे कर रहा हूँ, इसका जो नेट वजन है ना 610 620 है। अगर आप बोले मैं वजन करके भी दिखा दूँ, ये आपके सामने आ जाएगी कहानी, मैं एक मिनट आपको वजन भी करके दिखा देता हूं, ये अच्छा होगा कस्टमर को, एक चीज सामने आ जाएगी। क्योंकि इसमें वेट की भी काफी लगे देना, वेट मशीन, और ये छोटा वाला जो मार्केट है वो भी लाके दो, ठीक जी सर। वेइंग मशीन आ गई है, ये है मार्केट का, यानी कि जो इस टाइम मार्केट में जो चल रहा है ना, इसका मुंह भी देखें छोटा है, ठीक है। आप ये देख लें, इसका जो वजन है ये देख लें आप, 482 वजन है इसका, सही है जी। और इसका जो वजन है ये देख लीजिए, डब्बे के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे पास मौजूद है स्टैंप है, सही। ये देखें इसका वजन, देख लें डब्बे के साथ क्या है, 691। और इसको मैं आपको डब्बे के बगैर डब्बे के दिखा रहा हूँ वजन करके, इसीलिए हाँ। इससे क्या होगा, हमारे कस्टमर्स को, व्यूवर्स को पता चल जाता है, ये देखें पूरा 600 ग्राम है, ठीक है। और ये इसका मुंह का साइज भी देख लीजिए आप, डिफरेंस देख लें भाई, जो आपको मार्केट में मिल रहा है आप दोनों का, सही है, ठीक है। यानी कि ये साइज छोटा है, ये बड़ा साइज, बिग साइज है, हम दिखाएंगे। और जो आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं इसका, और इसका मेरा जो इस्तेमाल किया हुआ है ये देख लें, मैं इसको हमेशा इसी को इस्तेमाल करता हूँ, ये देख लें, आप कोई बोलने में गलत कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम दिखा रहे हैं, ये देखिए 603 सही है, ये हमारा अपना यूज करा हुआ है, इसी में हम सब घड़ी घड़ी तो यूज नहीं कर सकते जी। चले सर स्टार्ट करें, ये देखें ये मौसम्बी है, इस टाइम मौसम्बी का सीजन है, बिल्कुल सीजन है। आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर, बिल्कुल ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें डाल दिए हैं, सही है, पूरा किन्नू मैंने डाला है, ये देखें आराम से इसका जूस आप निकाल सकते हैं, ये देखें इसे आपने प्रेस करना है, ये देखें मैं कुछ ज्यादा जोर वजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वजन करूंगा, जोर लगा रहा हूँ, ये देखें सही, ये देखें आप, ये आ गया भाई, देखें इजीली इजीली है, कोई इसके अंदर कोई ताकत नहीं लगती। सिट्रस फ्रूट्स के आप इसमें से जूस निकाल सकते हैं मैनुअली, ये हालत देख लें आप, ये होता है, ठीक है सही है। और ये आपने प्लेट निकाली, ये छन्नी इसकी निकल जाती है, बीज इसमें आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, इजीली आप इसे वॉश कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कस्टमर को जरा आसानी हो जाती है लेने में, बिल्कुल ऐसे। और इसके जो प्राइस है हमारे 1100 रुपए के प्राइस हैं, 1100 रुपए ओरिजिनल चाइना के, जबकि इस टाइम पाकिस्तानी वो बिक रहा है 1200-1300 रुपए का मार्केट के अंदर, सही है। ये मैं आपको इसलिए बात क्लियर कर रहा हूँ, आप जरा उस चीज को भी देखें। और इसमें सिर्फ ना मौसमी किनो नहीं, अनार का भी निकाल सकते हैं, अनार का निकाल सकते हैं आप, अगर आपके हाथ में अगर ताकत है थोड़ी सी, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मुझे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बेटा एक मेरे को प्लेट दे दो, कोई प्लेट में इसमें रख दे तो फिलहाल, हाँ ये सही है, ठीक है जी। ये देखें इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, वरना तो सिट्रस का ही निकलता है। ये देखें ये सेब है आपके सामने, ये देखें हमने सेब रखा है, ठीक है। ये देखें इसे भी थोड़ी सी, हाँ इसका भी निकल रहा है भाई, ये देखें आप, सही जी, ये देखें, देखिए इसमें सेब का भी निकाल कर दिखा दिया सर ने, ये 1100 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, सब अभी मैंने ताकत नहीं लगाई है, ताकत लगेगी थोड़ी सी तो और निकल आएगा, का भी निकल जाएगा। अच्छा। जितना आपके हाथों में ताकत है उस चीज से आराम से निकाल सकते हैं आप, पाइनएप्पल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अनार का भी निकाल सकते हैं, सेब का निकाल सकते हैं, मौसम्बी किन्नू उन सबका निकाल सकते हैं। बेस्ट जो निकलता है ना वो मौसमी और किन्नू का निकलता है, अनार का भी बेस्ट निकलता है, अनानास का भी निकलता है, मैंने कहा आपके हाथ में जितना दम होगा उतना निकल जाएगा, सही है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं आपको ये सिलोली जूसर दिखा रहा हूँ, जिसमें लोग आजकल जो है बहुत अच्छा चल रहा है हमारे पास, ठीक है, और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, इसीलिए स्लो जूसर, सिलोली जूसर है ये, और इसमें आप सेब को डालें, इसमें कचरा जो है आपका अलग से निकलेगा, जूसर अलग तरफ से निकलेगा, ठीक है। ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, मैं सही, इसका भी पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकल मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखेंगे सीजनल फ्रूट्स आएंगे सारे सिट्रस, तो इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं अपने जूस ना जी। ये आप असेंबल कर लें फिर मैं कंटिन्यू, चलिए ओपन कर लिया, ये जूसर है पूरा, इसके फंक्शन है ये सारे, ये देख लीजिए इसी कैटलॉग से, ठीक है। ये मैं मैनुअल दिया हुआ है, मैनुअल दिखा रहा हूं, ये हमने खोला है, इसी तरह की पैकिंग में आएगा ये हम आपको भी बना के पूरा इसमें करके दिखाएंगे, हां इसे असेंबल कर लें, लगा लें पहले, असेंबल करके आपको करके दिखाते हैं, चलिए जी देखिए ये ओपन कर दिया, ये देखिए हमने ये इसमें लगाना है अभी, देखिए एक चीज आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग यहीं से देख लेंगे किस तरह असेंबल होना है, क्या चीज है ये, इसका बुरुश है, इसको सफाई वगैरह करने के लिए, सही है,
ये इसके गिलास हैं दो, ठीक है, एक में कचरा आएगा, एक में जूस, कचरा आएगा और ये इधर कचरा आ जाएगा और इस तरफ से जूस आएगा, सही है। और ये हमने इसके ऊपर का पार्ट्स लगा दिया, हाँ इस तरह लगे, ये देखें ये ऐसे फिटिंग होता है पूरा। आमिर इसको करो, कर ले आमिर भाई, जरा आमिर तेरे आगे से सही होगा। ये देखिए भैया आपके सामने इसी तरह आपने भी असेंबल करना है, ये नीचे जाएगा ना, ये हो गया, हाँ अब हो गया लॉक, ये हो गया लॉक, ये है लॉक इसका सिस्टम, सही है, ये लॉक होता है यहाँ से, ठीक है। ये आपने इसको खोल देना है इधर से, आगे से है ये, हाँ ये क्यों नहीं खुल रहा, प्रेस हो गए, अच्छा ये अंदर ऐसे डालना, ठीक है, चले यहाँ से जो है ये बटन जब आप क्लिक करते ना तो ये इस तरह ओपन हो जाता है, ये हमने ऊपर से पीस डाल दिया, ये देखिए ये गया, सही है, ये देखने आप, ओ वाओ, ये देखें जबरदस्त, ये हमें एक, ये देखें भाई यहाँ से जूस आएगा, ये हमने बटन दबा दिया, ये देखें इसका फंक्शन बहुत जबरदस्त है क्योंकि ये इसमें पूरे पूरे एक तो फ्रूट जा रहा है, ये देखें इधर से जूस आ रहा है, इधर कचरा आ रहा है, एक तरफ से इसे ओपन कर दें आप, ऊपर की तरफ खोले, ये जूस आ रहा है, ठीक है जी, ये देखिए स्लो जूसर, आपको अभी सिट्रस फ्रूट्स आएंगे, ये सीजनल फ्रूट्स, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं इजीली, हमने आपको दिखा दिया इधर मौसम्बी का दिखा दिया करके, इसमें ये देखिए ये सेब भी हैं, सेब भी आ रहे हैं, कचरा आ रहा है एक तरफ से, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए कचरा भी बिल्कुल जो है इसका बिल्कुल ड्राई आ रहा है, बिल्कुल ये मैं बोलने वाली थी आपके सामने, और ये आ गया भाई देखें इसका जूस, इसका ये जूस आ गया है, बहुत अच्छा फंक्शन है, ये देखें मैं एक और डाल के दिखा देता हूं, ये बहुत ही ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बीच में ये मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गया था, और ये देखिए दोबारा जो है ना आपको मिल रहा है, आ गया है, सही है, ये देखिए जबरदस्त भाई, इसमें आप सेब का, कीनू का, अनार का, किसी का भी बनाना चाहें जूस बना सकते हैं, फ्रेश अपने जूसेस एंजॉय कर सकते हैं, आप कचरा देखें कहां से आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है ये भी देख लें आप, ठीक है, ये देखें जबरदस्त, और ये हम अभी सेब डाल रहे हैं, इसके अंदर साउंड भी नहीं है, इतनी अच्छी है, साउंड चीज है, कोई साउंड नहीं है इसका, ये आ गया भाई सेब, ये देखें कचरा देखें कितनी तेजी से निकल रहा है, बिल्कुल ड्राई, वरना अक्सर लेडीज को होता है कि भाई उसमें जूस रह जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखें सेब है, इसका फंक्शन हमने आपको पूरा बताया कि किस तरह से यूज करना है, ये देखिए, ठीक है जी, ये आप कंटिन्यू इसमें डालते जाएं, दूर से भी इसका लुक चेक करें, किचन में भी आपके रखे हुए ना बहुत अच्छा लगेगा, आराम से यूज कर सकते हैं, स्मार्ट सा लुक है इसका, ये देखें जूस आपके सामने, जूस सारा निकल रहा है, कचरा देखिए आप लोग कैसे निकल रहा है ना इसका वेस्टेज, और ये आ गया इसका फ्रेश जूस, ये देखें ये मौसमी भी एड हो गई, आपका हेल्दी जो है ना वो जूस तैयार हो रहा है, इसमें आप गाजर का भी निकाले, एबीसी जूस निकाले, दबाना जरूर होता है इसलिए वो एकदम वो हो जाता है, सही जाम हो जाता है, अच्छा खासा इसमें देखें जूस निकला, कचरा देखें आप, हाँ बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल ड्राई, आपको ये नहीं ऊपर से कचरा अलग निकालना है, इसके प्राइस क्या मिलने वाले हैं सर मेरे व्यूअर्स को, इसके प्राइस बहुत प्यारे प्राइस है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है और सबसे प्यारी क्वालिटी है, और ये जूस हम अपने फर्रुख भाई को पिला रहे हैं, सही है जी, ये आगे जूस मैं बंद कर दूंगा, हाँ इसे बंद कर दें जरा, ये देखें आप, और ये जूस भी देखिए मैं आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत से बोलेंगे फ्रेश जूस तैयार हो गया आपका, ये देखें मौसम्बी और सेब का देखें, अभी अनार मेरे पास थे नहीं, अनार मेरे को मिले नहीं, पर मैं अनार का भी मैं आपको करके दिखाता, हेल्दी जूस पाइनएप्पल का भी मैं आपको करके दिखाता, अभी मेरे को वो चीज मिली नहीं, हमारे फर्रुख भाई पियेंगे इसको, देखें चले फर्रुख भाई आप एंजॉय करें, दिखाएं कैसा है ये भाई, ठीक है नमक भी दे दूं, नमक भी मेरे पास मौजूद है इस टाइम यहाँ पे, नमक भी ऐड कर सकते हैं, और ये देखें भाई मैं आपको दिखा भी दूं, फुल ड्राई है ये, फुल ड्राई है, इसमें कोई जूस बाकी नहीं है, और इतना स्मार्ट सा लुक है ना सबसे बड़ी बात, इजीली आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत स्मॉल साइज है ये, वही मैं बता रही हूँ, स्मार्ट क्वालिटी देख लें, हैवी देख क्वालिटी वाइज है, ये 13,500 रुपए का, 13,500 रुपए का, ये मार्केट में आप लेने जाएंगे तो ये पहले तक करके भी नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है, जब तक इसका ये ओपन नहीं खोलेंगे हम लोग ये जूस निकलेगा, हाँ, टैप है इसका, ये और सही ये कैप है, इधर जूस जमा होता है, जब आप खोलें एक ही दफा इसे निकाल लें, हाँ नो डाउट बहुत स्मार्ट है, ठीक है जी, और ये कोई मार्केट में आपको इस तरह से प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा, मैं तो आप लोगों को कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा हो जाए प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, ठीक है सर जी, सर चले जी, हमने आपको दिखाया था वीडियो स्टार्ट होने में, अभी जूस निकाला है आपके सामने, ये देखें ये जूस गिरा हुआ है, ये देखें
ठीक है जी। पैराशूट है और ये दोस्त डबल है हमारा, इधर से भी है और इधर से भी, ठीक है सही है। जबकि मार्केट में जो बिक रहे हैं वो है वन साइड, वन साइड है और हमारे ये पूरे उस पे है ये, ठीक है। आप इसको आराम से वॉश कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल साफ हो गया है, सही है जी, ठीक है सर जी। अब आपको मैं दिखा रहे हैं नेक्स्ट चॉपर है, चॉपर है, ठीक है। चॉपर का जो है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, रिव्यू अच्छा तरीके से कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा निकलेगा बिल्कुल। ये देखिए सारी चीजें सर ने जो ना तैयार कर रखी हैं आप लोगों के लिए, ये सब हम आपको करके दिखाएंगे जी। देखें ये है हमारा चॉपर है, 3 लीटर का है ये, इसका जो बॉल है ना ये 3 लीटर के अंदर, ठीक है। जबकि मार्केट में 2 लीटर भी आया हुआ है और ये मैं आपको इसमें इस टाइम सब चीजें हम आपको करके दिखाएंगे, कोशिश ये है अपने मेयार पे पूरा उतरे हम लोग करने में। ये देख लें आप इसकी जरा ये मोटर देखें आप, माशाल्लाह से सही है। इसका वजन देखें मैक्सिमम इसका वजन जो है ना 700 ग्राम से ऊपर है, ये देखें आप सही है जी, 780-770 ग्राम के अंदर आ रहा है, ठीक है। और सब और ये है 3 बटन वाला, अच्छा यानी के वन स्पीड, सेकंड स्पीड एंड ये आपके यानी बीटर वगैरह टाइप के। पर ये सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर 3 सेकंड आपने 4 सेकंड बहुत से बहुत कीमा में आपकी गोश्त को कीमा बना देगा ये, ठीक है। और ये इसका, ये रखिएगा जरा, ये इसका बॉल्स हैं बिग साइज में आपको ये बॉल मिल रहा है इसीलिए जी। ये मोटर्स आ गई हैं, ये देखें ये इसका कवर है, ये इसका कवर है, ठीक है। देखें एक्रेलिक है बिल्कुल क्रिस्टल टाइप के ऊपर, ठीक है। हाँ हैवी है ये भी, इसके अंदर ये देखें साइडों के अंदर जो है ना इसका बन होने का रखा हुआ है, ठीक है। ये अपना रबड़ लगी हुई है, यानी के ये आ गया, ये आ गया पूरा, ये रबड़ जो है इसका ये नीचे आपका बेस नीचे पे लगेगा, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ इसीलिए, ताकि वो 3 लीटर का चॉपर है और पूरा ये देखें भाई, ये देखें। ये अक्सर लोग पूछते हैं क्यों दी हुई है ये रबड़, तो इसलिए दी हुई होती है ये, इसलिए दी हुई होती है, बहुत सारे स्लिप्स होते हैं वहाँ स्लिप कर जाता है ये चॉपर, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से बिठानी है, ठीक है, इस पे आपने सही है। और इसमें जब भी आपने भरना है ना तो कम से कम आपने इसमें आधा भरना है, अच्छा, क्यों उस बॉल को जो है ना चलने की जगह चाहिए, सही है, यानी चॉपर को ब्लेडो को, ऐसा नहीं फुल ऊपर तक फुल ऊपर तक भर देंगे तो ये कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। आपने जितना इसको आधा भरेंगे ना यहाँ तक सिर्फ इस निशान तक, ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा, सही है जी। ये इसके साथ एक ये बीटर है, दही वगैरह फेटने के लिए मैं ला नहीं सका, दही कोई मसला नहीं, टाइम ना होने की वजह से। ये इसके ब्लेड्स हैं, 4 ब्लेड्स हैं, 4 ब्लेड्स वाला है, 3 या 4, ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं करके, सही है जी। शार्प ब्लेड हैं, ध्यान से करते हैं, शार्प ब्लेड हैं और हाथ बचा के थोड़ा सा किएगा जी। और माशाल्लाह इसके साथ आप वो भी तो दे रहे हैं ना फ्री में जी, इसके साथ फ्री में जो है ये इसके जो वॉश करने के लिए ये हमने दिए हुए, ठीक है जी। यानी कि आप आराम से इसको खोलें, 6 हैं ये, एक पैकेट में 6 पीस हैं, ठीक है। और आपने इसे धोना है तो आप इसको आराम से इससे धो सकते हैं, ये देखिए, ठीक है सर। ये इसलिए दे रहे हैं लोगों के हाथ जो है बचे रहे, ठीक है सही सर जी। सर कनेक्शन करने इसको रख दिया आपके सामने, और ये अभी हम डाल रहे हैं पहले इसके अंदर ये शामी कबाब का, ओहो शामी कबाब का कीमा, ये देखिए, ठीक है जी। ये इसलिए हमें इसको आपके लिए कर रहे हैं हमने सारा इंतजाम, ताकि आपको बताएं इसमें क्या क्या काम हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा शामी कबाब का है, ठीक है। अभी हम इसके शामी कबाब भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनाए, सही है। ये देखिए आपके हमने इतना भर दिया, सिर्फ इतना इसको भरना है आपने, ज्यादा नहीं भरना है, सही। और ये आ गई इसकी मोटर, ये इसकी मोटर आ गई, ये भी हमारे अपने नाम से ही है, ये आपने ऐसे इसके अंदर फिट करनी है, ये बटन लगा देना है हमने, ऑन हो गई। ये देखें सिर्फ जो है ना ये हमने सिर्फ 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड तक करना है। अब बहुत सी जो होती है ना लेडीज चला के बटन हाथ रख के भूल जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। ये देखें ये ऑन हो गई है, वहां से देख ले, ठीक है जी, प्लग हिल रहा है जी। जबरदस्त, सिर्फ 3 सेकंड में आपने कर करके इसको छोड़ना है, ठीक है। आपने इसमें ये नहीं हाथ रख नहीं रखना, सही है जी। ये देखें कितनी सी देर में ये हुआ इसका, ठीक है। एक दो बार अगर आपको और बारीक करना और बारीक करना है तो और बारीक कर सकते हैं आप इसको, सही है। ये सेकंड्स का काम हुआ है, देखें अब इसे मजीद करेंगे तो और हो जाएगा ये। ये देख लें आप, ये देख रहे हैं आप, जबरदस्त भाई। अगर जैसे आपने इसमें मिसाल के तौर पर हरा धनिया मिलाना है शामी कबाब में, ये आपने मिला दें थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मिर्चे मिला दें, हरी मिर्चे। अगर इसे लहसुन अदरक मिलाना है तो अदरक भी बहुत से नहीं डालते, मैं आपको एक मिनट डाल के दिखा जी जी। ये देखें सब चीजें इसी में ऐड कर दी, सारा मसाला एक ही साथ आपका बन जाएगा, ये देखें जबरदस्त। छोड़ छोड़ के आपने ना पुश करके और फिर चलाना है, ये देखें
छोड़ छोड़ के आपने बनाना है, नहीं आपने एक साथ उंगली रखनी है। देखिए ये बन गया जी। ये देखें, ये देखें भाई, सही है, ये देखें। आप इसको देख लो, अगर इसको मजीद आपने करना आप लोग करते जाएं। बेसिक मकसद ये है कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीजें इसमें हो जाएंगी। जी सही है। इसमें आप अंडा डाल के भी आप लोग जो है ना अंडा डाल के इसको बना सकते हैं। अभी अंडा भी लेकर आते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखें भैया आपका जो है ना शामी कबाब का तैयार हो गया मिक्सचर, पूरा कंप्लीट पिस चुका है, ये देख सकता है। जी सर, नेक्स्ट क्या है? गोश्त भी। अरे वाह, ये गोश्त भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये आपको शामी यानी कि कोफ्तों का भी बना सकते हैं आप, इसको भी चाहे बना लें। ये देखने ये बीफ का ये गोश्त आपको पीस कर दिखा, बीफ का दिखा रहे हैं, इसीलिए चिकन नहीं है, यानी कि चिकन जो होता है वो नाजुक होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, हम बीफ करके दिखा रहे हैं आपको। ये ठीक है, काफी सारा ऐड कर दिया, इतना डालना है, इससे ज्यादा नहीं भरना है। सही है, जबकि कोई आपको नहीं बताएगा दुकानदार, ये हम बता रहे हैं इसीलिए। ठीक है जी, तरीके से यूज करते हैं तो मशीन अच्छी चलती है। तरीके से यूज करेंगे मशीन अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे यहाँ इसका रिव्यू भी, हमारा अगर देखना है तो हमारी वेबसाइट पे कस्टमर का एक रिव्यू आया हुआ है, रिव्यू भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे कोरोपाल के। ठीक है सर, ये देखें, ये एक दो तीन, ये देखें बीफ का आपको जो है ना कीमा करके दिखा रहे हैं। ये देखें सिर्फ मुश्किल से मुश्किल, ये देखें चार सेकंड, बहुत से बहुत पांच सेकंड के अंदर, ये देख रही है आप कीमा आपका, देखें भाई बनके तैयार। ये देखें, अगर आपने और बारीक करना है तो मजीद इसको चला लें तीन सेकंड चार। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा देखें हम और क्या दिखाएंगे आपको। बेस्ट है ये, बेस्ट है। और इसके साथ हम आपको ये भी दिखा देते हैं, प्याज भी डाल के दिखा देते हैं। ये प्याज डाल रहा हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। ठीक है, कीमे के साथ, उसके साथ भी गोश्त के साथ भी डालेंगे हम। अभी आपको एक रिव्यू दिखा रहे हैं थोड़ा सा। सही है, ये हरी मिर्ची आ गई इसके साथ, देखिए भाई सब चीजों का सेटअप किया हुआ है, सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग को पता चले क्या क्या। ये अदरक है और साबुत देखे डालना है, ये लहसुन है और ये देखें ये हरा धनिया है, सब चीजें आ गई इसमें। हमने पूरी यानी कि इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, चले जी। और हम अभी तो इसमें करके दिखा रहे हैं आपको कीमे के अंदर, फिर हम गोश्त में भी करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए स्टार्ट करें, ये देखिए भाई आपने रोक रोक कर चलाना है इसी तरह, तो ये स्पीड दी हुई है इसमें। अगर आप रेगुलर चलाएंगे तो खराब हो जाती है मशीन, कोई भी मशीन होगी। इसको रोक रोक कर चलाना है तीन सेकंड चार सेकंड बस। ये देखते हैं आप कंडीशन, ये देखिए कोफ्तों का देखिए तैयार हो गया, कच्चे गोश्त का जो कीमा बनता है ना पूरा कोफ्ते देखे बन जाएगा। ये देखिए भाई कोफ्ते भी जो है ना तैयार हो गए, पूरा कोफ्ता है ये। ये देखिए भाई, ये देखिए लाइव आपको कोफ्ता बनाकर कोई नहीं दिखाएगा, कोफ्ता तैयार हो गया। अब इससे ज्यादा हम क्या दिखा सकते हैं आप, बेस्ट मशीन हो गई भाई ये तो जबरदस्त। ये देखिए, देखिए बीफ का आप इजीली जो ना कोफ्ते बनाना आसान होगा, अब सिल पे पीसने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, सिल पे बट्टे पे पीसने की आपको जरूरत नहीं है। ये देख लें कोफ्ते तैयार हो गए, अभी मेरा हाथ दूसरा काम नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा इसको गोल करके दिखा रहा हूं। ठीक है सर, ये देख लें सारे अब कोफ्ते आज बन जाएंगे, आज सारे कोफ्ते भी मिल जाएंगे, अभी बच्चों को इसी में हम यहीं पर आपके सामने बना के खिलाएंगे। ठीक है, अपने से अपने अपना तवा और फ्राई पैन भी आपको दिखाना है। इसके प्राइस क्या है इस मशीन के, आप ये देखें पहले तो, ये बिल्कुल दिखा दिया मैंने अपने व्यूअर्स को, ये देखें भाई कोफ्ते बनकर तैयार होगा, और क्या बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये बन गया है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अब इसके साथ गोश्त के साथ डायरेक्ट सब चीजें डाल के डायरेक्ट डालेंगे भाई, पूरा आपको जो ना कोफ्तों का कीमा तैयार हो गया, जबरदस्त है, बिल्कुल बारीक है जैसा चाहिए होता है, इससे ज्यादा बारीक चाहिए आप और कर सकते हैं, और कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आप क्या दिखा रहे हैं सर इसमें, अब मैं इसी में आपको यही करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट डालेंगे सब चीजें। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बोटियां हैं बीफ की, बोटियां देखिए आपके सामने कितनी बड़ी हैं, तो छोटी बोटियां नहीं करी हुई हमने। सही है जी, ठीक है, ये देखिए ये अब डायरेक्ट डालेंगे सर इसमें सब चीजें, और चिकन नहीं है ये बीफ है जी। सही है, सही है, हाँ इसमें इतना ही डालना है हमने, नहीं डालना है, ये हरी मिर्ची आ गई इसके साथ, बहुत हो जाएंगी ये तो, बाकी बच्चों ने खाना है फिर भी बहुत अच्छा, उनको पता चलेगा मिर्ची होती क्या है, खुद ज्यादा हो गई। हरा धनिया डाल दें बस, अब उसको छोड़ दें, ये थोड़ा सा लहसुन डाल दें, डाल दें लहसुन तो मस्त है गोश्त में, इसे लहसुन से जरा इनकी सेहत भी सही रहेगी ना, बच्चों की जरा सही काम करेंगे दुकान पे, मिर्च बस थोड़ी ज्यादा लग रही है, और ये हरा धनिया आ गया पूरा, ये देख लें आप, हरा धनिया अच्छा है, देखिए भाई चलो सेहत के लिए हरा धनिया भी अच्छा है,
बिल्कुल डायरेक्ट देखिए आप ये मोटी मोटी बोटियों के साथ आपको पीस कर दिखा रहे हैं। सही है जी, इसे फिट करना जरूरी है, इसको फिट करें सही तरीके से। सही, और फिर ये देखें 1 2 3 ठीक है, देखें कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है इस मशीन का। ये देखें थोड़ा मोटा है ये भी, नहीं सर हो गया, हो गया ये बल्कि 10 सेकंड में हो गया। ये देखें आप, ये देखें अभी हमने तो प्याज नहीं डाले थे, बस प्याज रह गए हमारे डालने, कोई बात नहीं वो भी डल जाएंगे, वो भी हम इसको अभी दोबारा डाल देते प्याज भी। ठीक है, ये देख लीजिए प्याज भी हम डाल रहे हैं इसको दोबारा, ये फंस जाता है वरना ये आप हटा दीजिए। हट गया, इतनी मोटी मोटी डाल देंगे सर जी। सही है, ये देखिए ठीक है जी, ये आ गई इसकी प्याज, ये आ गई इसकी प्याज, छिलके सही नहीं लाया ये, ये भी हटा दे सर, ये फंस सकता है छिलका ना। ये देखिए ये हो जाएगी, चलो जी अब इसमें हम प्याज डाल दिए और फाइनल आपका जो ना कोफ्तो ऐसे कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए आपने रेगुलर नहीं चलाना है, आपने 3 सेकंड चलाना है बस। सही है, तो हो गया होगा माशाल्लाह से जबरदस्त। ये देखिए, ये देखें भाई बेहतरीन, एक साथ डाला है सब हमने ना। ठीक है जी, इसको भी अब कोफ्तों वाले मसाले में, नहीं अभी इसकी हो। ठीक है, ये चपली कबाब तैयार हो रहा है लग रहा है, चपली कबाब बना लें, अब ना कोफ्ते बना लें या तो। सही है जी, कोफ्ता नहीं है तो शुतुरमुर्ग का हो गया, जो भी कह लें आप। ये देखिए आप, ये सही है, ये देखिए भैया आपको इसमें तैयार हो गया। सर इसकी प्राइस बताया आपने, ये आपको पड़ेगा 3,300 रुपए का, 3,300 की आपको ये मशीन चॉपर, जिसके साथ ये आपको फ्री दिया जाएगा, यही कम से कम 200 रुपए का है। 200 रुपए का है, तो ये पड़ेगा आपको 3,300 रुपए का चॉपर पड़ेगा कम्प्लीट, और कराची में इसकी डिलीवरी भी फ्री है, अगर आप कराची मंगाएंगे तो कराची में इसकी डिलीवरी फ्री है। अच्छा, सिर्फ कराची में, सिर्फ कराची में। सही, नेक्स्ट क्या है? ये देखें रोटी मेकर है, रोटी मेकर भी चाइना का है, ये रोटी मेकर जो लोग आजकल मांगते हैं, बिल्कुल गोल रोटी चाहिए जी। सही है जी, ये इसका वो आगे कवर हैंडल होगा, हैंडल्स हो गया, ये आपने हैंडल्स को इसमें फिट करना है ऐसे। सही है जी, इजीली असेंबल हो जाएगा, उसने डब्बे के अंदर आता नहीं है ना, हाँ, तो इसलिए इसको नट इन्होंने दिया हुआ अलग से इसको लगाने के लिए। ठीक है, वैसे मटेरियल कौन सा है ये मटेरियल? अपना जैसे घर में सिल्वर होता है जिसमें आप हम लोग खाना वाना पकाते हैं उस तरह का, देख लें आप, चीज देख लें। ठीक है जी, नो डाउट, देखते हैं अब इसमें गोल रोटी बनती है करेंगे, बाकी तो अल्लाह को पता है बनती है या नहीं बनती। ये आपको इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाने का मकसद है कि भाई बनेगा, काम करेगा या नहीं, कोई भी नहीं करके दिखाता। ये देखें भाई आटे का फेरा बन जाएगा, ऐसी गोल्ड बस हो जाए ना तो बस ये रख दें। सही है सर, ये देखें भाई आपके सामने जो ना बना दिया पूरा, रोटी मेकर का रिव्यू दे रहा है, ये दे रहे हैं। इसमें आप हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगाना चाहें तो, पहले तो हम ऐसे ही करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखें ये हमने पेड़ा रख दिया, ये दबा रहे हैं आपके सामने, ये देखें सही है, दबा दिया। ठीक है, ये देखें बन जावे से बन गया, जमीन में वैसे ना ये ज्यादा अच्छा काम करता है, काम करता है ये देखें, इसे अभी आयल नहीं लगा हुआ ना उसपे, हल्का सा पूरी बन जाएगी, इसमें पूरी बन जाएगी, रोटी भी बन जाएगी, बस थोड़ा सा आयल जरूर लगाएं, ऑयल लगाएं, ये देखें नीचे सरफेस पे लगाएं थोड़ा सा ना जी। ये देखें इधर लग गया ये आयल, ठीक है ऊपर भी लगा दें, ऊपर लगा दिया हमने रोटी से। चलो अब जरा इसे प्रेस करके देखते हैं, ये देखें आप, ओ हाँ कुछ हुआ तो था, हाँ बड़ी हुई है, बड़ी हुई है? हाँ। ये आयल लगने से हुई है। ओके, वैसे उस टाइम पर खुशक था, नया पीस था आपके सामने, ठीक है ये देखें,
ये देख रही है बाहर आ रही है, देखें चारों तरफ से देखें, ये देखिए भाई रोटी मेकर से रोटी तो बन रही है, गोल रोटी ये देखिए सही है। इसमें मुझे लगता है कि आटे की टेक्निक होती होगी कि आटा किस तरह है, आटा तो देखें लेडीज अभी ज्यादा जानती है, आप उनमें हम तो इतना नहीं जानते, ठीक है हमने तो दुकान के लिए रखा ऐसी आपको करके दिखा रहे हैं, सही है जी सही है, इसलिए करके दिखा रहे हैं ये आपके लिए आसानी हो जावे, ठीक है और दोबारा हम आपको करके दिखा, बाकी आप हाथ से इसको बड़ा कर लो, इस तरह इसको बड़ा कर सकते हैं चाहे तो इसको हाथ से बड़ा कर लें, ये देखें ठीक है जी ये बड़ी, ये देखें कंप्लीट आपको क्या करके दिखाएं, रोटी मेकर जो है ना पूरा रिव्यू हमने गोल रोटी बन गई है, गोल रोटी बन कितने में बन जाएगी सर ये गोल रोटी, ये गोल रोटी जो बन रही है इसकी ये पड़ेगा आपको 2500 रुपए का है, 2500 रुपए का ठीक है, ओरिजिनल प्रेस सही है जी, और ये भी हम आपको और पका के भी दिखा देंगे, अभी पका के भी दिखाएंगे, इससे आइडिया भी मिल जाएगा एक, ये क्या लेकर आए सर आप, ये एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी कर रहे हैं, इसको भी हम आपको दिखाएं अगर आया कि काम करता है या नहीं करता है, या नहीं करता है मुझे भी आइडिया नहीं है, इसे मैं भी एक आइडिया ले रहा हूँ अभी फर्स्ट टाइम है, ये इसकी नूजल है, ये नीचे लगेंगे इसके, ये पूरा असेंबल कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, लगेगा मैं आपको असेंबल कर देता हूं, हमने जी रोटी बना के दिखा दी है पर हम लेडीज तो हैं नहीं जी, सही तरीके से करके दिखा सकते हैं ऐसा ही है, और हम तो सिर्फ दुकानों पे बैठने वाले हैं, ये आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है जी, और अभी हमारा जो है ये और यही हमारे तवे हैं, अच्छा तवे भी आ गए एनएक्स के, ये एनएक्स का तवा है 14 इंच का, सही है सबसे अच्छी क्वालिटी है, बिग साइज में 14 इंच, नया पीस हम खोल के दिखा रहे हैं और इसको हम आपको इसमें भी आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है हमारा एनएक्स का इसका लेवल कोई मसला नहीं, हमें बता दिया ये रहा ये रहा ना ये आ गया भाई तवा, ये हमारा एनएक्स का तवा है जो इस टाइम पूरे सिंध के अंदर ये हमारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है और ये हमारे पास अपना होता है ये, सही है जी और ये अच्छी क्वालिटी के अंदर है, सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको बोलूंगा जो कहते हैं ना नॉन स्टिक हट जाता है जी, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पहले इसे नॉन स्टिक को जैसे आप ये चूल्हे पे हम अभी रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जो है ना आप ऑयल ये ना हल्का सा ऑयल डाल दिया करें, हल्का सा ऑयल डाल इसको हाथ से फैला के ऑयल को जैसे ये फैला दिया आपने और क्या होता है उससे आसानी हो जाती है, और ये ब्रुश भी है अगर चाहें तो आप ब्रुश से बना लें, सही है ये देखें ये हमारे पास सिलिकॉन का ब्रुश है, अच्छा ये पूरा सेट भी होगा सही, यानी खाली ये ब्रुश है, अच्छा खाली ब्रुश आपको ये मिलेगा 350 रुपए, 350 ये सिर्फ ब्रुश, वुडन देखें इसका ये हैंडल है अच्छी क्वालिटी का है, ये देख लें ठीक है जी सबसे अच्छी क्वालिटी है, सही है और ये हमने ऑन कर दिया स्टोव, और स्टोव ऑन कर दिया है, ऑन है ना भैया, जी जी ऑन है क्योंकि धुआं ऐसा फील हो रहा है गर्माहट ना, ये मेरे ख्याल से ऑन नहीं है, हो तो रहा है गरम सर, धुआं फील हो रहा है, खुला है ना ये देखें ठीक है, ये हम अभी रोटी उठा के इस पे डाल के दिखा रहे हैं आपको, सही है इसीलिए आसानी रहेगी आपको, इसको थोड़ा फैला दे जी, ये देखें ये अभी हमारा तवा मेरे हाथ से गरम नहीं हुआ है, वजह ये है कोई मसला नहीं, पता चल जाएगा ना ये स्टोव कितनी देर में करता है ये पता चल जाएगा, ये देखें इसको आप तेज और ज्यादा कम भी कर सकते हैं, आप अभी आपको दिख रहा होगा दूर से ना, और ये एक और है ये भी अगर ये चाहें तो ये भी मिल जाएगा इनको 350 रुपए का है, 350 रुपए का सभी होने दे वनो, इसे हम तो शॉप पे कुछ ऐसी करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, कोशिश कर रहे हैं हो सकता है हम कामयाब जाएंगे पता नहीं यार वो हो जाएगा हमारे साथ, कोई मसला नहीं है, होंगे कोई नहीं है, तेज कर दें इसको थोड़ा सा, बड़ा हो गया हमें तवा, जरा गरम तो हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि बड़ा है तवा ना चूल्हे के लिहाज से, जी चूल्हे के लिहाज से इसे चूल्हा जो है छोटा है ऐसा ही है, वजह ये आ रही है थोड़ी देर से छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से, देखिए पकड़ी शुरू हो गई है, बीच से तो हो रही है, बीच में से तो बीच में से ये हो गई है, स्मेल भी आ रही है जी हाँ, थोड़ा सा पलट दें इसको मेरे ख्याल से, ये हाथ से ही पलटा जाएगा सर, मैं रोटी पलटा जाएगा, ये देखिए आप ठीक है जी, अब ये तवा नीचे गर्म हो गया, हुआ है गर्म जी, इसे हम आपको दोबारा दूसरी करके दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है सर, ये तो हम एक तरह से आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तवे के ऊपर, तवा यानी कि आप बहुत से लोग आते हैं यानी कि ये आपका नॉन स्टिक हट जाता है, नॉन स्टिक में खराबी आती है जी जी, हम इसलिए क्वालिटी दिखा रहे हैं आप लोगों को, सबसे अच्छी क्वालिटी है और सबसे बेस्ट क्वालिटी सिस्टम हमारी है, ये सेल हो रही है और ये आपको क्वालिटी सिर्फ मिलेगी या तो हमारे
शॉप्स है जोड़िया बाजार में, क्रॉकपाल के नाम से वहाँ पे भी है और ये हमारे सेंट्रल मॉल में भी है। ठीक है, ये हमारी दो शॉप्स हैं। सही है, यहाँ पे 1500 रुपए का, ये 14 इंच का है, ये 14 इंच का बिग है। क्वालिटी देख लें आप, बड़े बड़े पराठे बना सकते हैं आप इसमें, बड़े बड़े पराठे पका सकते हैं आप। और ये देखें रोटी पक हो गई है। थोड़ा सा आपने ना इसको स्टोव को छोड़ना पड़ता है गर्म होने के लिए और तवे को भी, क्योंकि बड़ा साइज में तवा, अभी जो है मैंने छोड़ा वजह से हिल रहा था वो तवा हो गया था बड़ा, अब ये देखें मैंने ऐसी छोड़ा तो वो हिल रहा है पूरा। हाँ। तवा अगर छोटा छोटा साइज होता तो इस स्टोव पर चल जाता। सही। ये देखें रोटी पकनी शुरू हो गई है जी। ठीक है जी, और स्टोव की क्या प्राइस बताया सर आपने? स्टोव पड़ेगा आपको ये 1950 रुपए का। 1950 रुपए जी हाँ। इस टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं सर्दियों में गैस की प्रॉब्लम होती है, ऐसा ही है। तो इस टाइम ये स्टोव आपको मिलेगा 1950 रुपए से का मिलेगा, आरएफ ब्रांड का जी। ठीक है, पर मैं आपको ये पहले बता दूं इनकी कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, इसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, ये मैं आपको इसलिए वादे कर रहा हूं, किसी की भी वारंटी नहीं देते। सही, इसे देखें हमें पीछे से ये चाइना से आती है, क्वालिटी हम कोशिश करते हैं वहां से अच्छी बनवाएं, और अच्छी बनवाने का मतलब ये होता है उसमें गारंटी होने का सवाल ही नहीं होता फिर। ठीक है, कोशिश यही होती है। सही है जी, जब ये आपको देखिए बता रहे हैं, ये देखें धुआं उठना शुरू हो गया, ये देखें ये आ गई भाई, देखें पर के इस टाइम पे हम यहाँ पे बैठे, अगर चूल्हा होता तो ये अच्छा हो जाता था। हाँ। थोड़ा छोटा भी तवा होता ना तो ये सही बन जाती है। ये अब गर्म होना शुरू हुआ है, थोड़ा गर्म होना शुरू हो गई है, और इसी के अंदर ये हमारे पास भी आ रहे हैं, ये आ गया भाई, ये देखिए पैन, ये फ्राई पैन है। आजकल जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं, अंडे वगैरह आपको तलने हैं, बिल्कुल तो हर घर में चाहिए ही होते हैं ये फ्राई पैन। ये देख लीजिए, ये भी एनएक्स का ही है, 24 सीएम का है ये, और ये पड़ेगा आपको 999 रुपए का। 999 रुपए, ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। और ये देख लें क्वालिटी, देखें आप नीचे क्वालिटी देखें, हाँ सही है, एनएक्स है, क्वालिटी देख लें नीचे से, सबसे अच्छी और सबसे हमारे पास सबसे ज्यादा सेल हो रही है ये, इसलिए तमाम ब्रांडों को जो है ना तकरीबन कोशिश इसकी यही हो रही है, पीछे छोड़ रहा है ये। ये देखें भैया आपका पराठा जो है ना, पराठा तैयार होना शुरू, इसमें थोड़ा सा और डाल दें, मेरा ख्याल है थोड़ा ऑयल डाल दें तो शायद हो जाए। ये देखिए ये आ गया भाई, बहुत हो जाएगा सर। ये देखें कुक हो रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, हाँ अब आया ना ये शेप, ये थोड़ा कच्चा रह गया, इसको हटा देते हैं, अभी हम दोबारा डाल देंगे इसको। ये देखिए, ठीक है, और ये देखें भाई, ये तो ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारी रोटी तैयार हो गई है, पराठा इसको इधर से उठा लेते हैं, ये आ गया, इसे थोड़ा सा मोटी है ना ये पराठा है पूरा। सही, ये देखें भाई पूरी भी बनाकर दिखाती है सर ने इलेक्ट्रिक स्टोव में, कोई भी करके दिखावे हमारी तरह। हम तो ये कहते हैं कोई ना कोई हमारे ना करे तो सही, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई करता ही नहीं है हमारी तरह। प्रोडक्ट अपने यूज करके आपको दिखाना, प्रोडक्ट आपको देखे, फ्राई पैन भी दिखा दिया हमने और तवा भी दिखा दिया, इलेक्ट्रिक स्टोव भी दिखा दिया, रोटी मेकर भी दिखा दिया, सारे प्रोडक्ट्स आपको बकायदा यूज करके दिखाए। ये देखें पराठा पूरी पूरी बन रही है, पूरी तैयार हो गई आपकी, ये देख लें आप, क्योंकि हमने बहुत बड़ी डाल दी है, होती छोटी है, छोटी होती है, ये देख लें आप, जबरदस्त। ठीक है जी, चले जी, ये देखें भाई शामी कबाब अब बन के तैयार होंगे, शामी कबाब, इसमें अभी हमने अंडा नहीं मिलाया है, अगर अंडा मिलाए तो और अच्छा बन जाएगा, डाल देना अंडा, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं जी। ये देखें पर कोशिश है हमारी बनाने की शामी कबाब को, सही है, आगे अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं बन रहे सर, स्टोव भी चल रहा है बिल्कुल, ये आ गया भाई शामी कबाब बना के दिखा रहे हैं आपको, देखें लाइव, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इसमें आप अंडा ऐड कर दें, पर उसको हिलाना पड़ेगा, हमें हिलाएगा, ठीक है, ये देखें भाई जबरदस्त लाइव आपको शामी कबाब बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखें आप, ओ जबरदस्त, ये देखें भाई, इस चूल्हे पे आप मतलब छोटे मोटे काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग होती है तो इजीली आप जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखें आप, और ये साथ साथ देखें, ये हमारे शामी कबाब भी तैयार, हमारा फ्राई पैन कैसा है, तवा कैसा है आपके सामने आ गया, बिल्कुल, ये देखें लोग चेक करें आप लोग, ये भी डाल देते हैं ना, ये भी डाल देते हैं, बड़ा ये वाला छोटा वाला डाल, ये देखिए आप, इसको पतला कर देना, एक तरह से चपली कबाब बन रहा है, चपली कबाब भी
और शामी कबाब भी दोनों तैयार। इसलिए दिखा रहे हैं, हमने चॉपर भी आपको दिखाया है जी, तो इसलिए आपकी आपको एक चीज पता चल जाएगी वाजे करके क्या चीज है चॉपर भी हमारा और फ्राई पैन भी कैसा है और स्टोव भी कैसा है। सारे प्रोडक्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे, एक साथ हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसीलिए ये देखिए इसमें भी थोड़ा अंडा मिलाना होता है कंबाइन करने के लिए जी। अब रेसिपी तो शेयर कर नहीं सकते, तो ये देखे ये हम दिल्ली वालों की जो है ना ज्यादातर ये मशहूर होती है चीजें। ये देखे मेरी मम्मा भी दिल्ली की है, तो ये देखे इसमें जबकि हमने घी थोड़ा कम डाला हुआ है। हाँ, अगर थोड़ा घी इसमें डल जाता ना ज्यादा सही है सर, लेकिन ये ना थोड़े हल्के हल्के शैलो फ्राई कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी हम अपने बच्चों को खिलाएंगे इधर ही दुकान पे। इसको टर्न कर दे सर, ये सब टूट रहा है, इसमें अंडा नहीं मिला। अब मिला है ये अंडा, अंडा मिला है इसके अंदर। ये देख लें आप, जबरदस्त भाई। देखिए सारी चीजें हमने आपको बहुत डिटेल में दिखाई है, कीमा भी पीस कर दिखाया चॉपर में, फ्राई पैन भी आपके सामने है, इलेक्ट्रिक स्टोव भी आपके सामने है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक स्टोव को, लेकिन आप चलाकर छोड़ देंगे तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग तो हो रही है, आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें भाई जबरदस्त हो गया, अब ये तैयार हो जाएगा पूरा खाना लंच। चले जी, ये देखें भाई तकरीबन ये वाला कबाब तो सिक गया, और उसमें अंडा नहीं मिला था तो वो टूट गया, ये आ गया भाई। देखें ये कम्प्लीट, आपको देखें कितनी डिटेल में सब चीजें बताई है, जबरदस्त कबाब भी आपका बनके तैयार। यानी कि ये आपका बना है इसका शामी कबाब, यानी शामी कबाब चपली, चपली कबाब, चपली कबाब बनके तैयार हो गया। सही है जी, ये सर बाकी जो है वो कराची वाले तो शॉप पर आके खरीदारी करेंगे, तमाम प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे अपडेट होंगे सर जी। ठीक है, तो सर वाइंड अप करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।